Hello friends, welcome to this maths tutorial blog. So today I will solve certain questions on certain questions related to square algebraic identities, and we will learn certain cubical like algebraic identities in cube formulas. So let's start with square formulas. So as we have learned in previous blocks, our square formula for in algebra is, for example, there are two variables, say p and q. So square formula will be p plus q whole square is equals to p square plus q square plus 2pq. P minus q whole square equals to p square minus q. P square plus q square minus 2pq. Also, we have another formula, that is p square minus q square is equals to p plus q and p minus q. So let's solve this question. First question is we have to expand this expression a plus 1 by a of square whole square, a plus 1 by a of whole square. So here p is a and 1 by a is q. So we can directly put in this formula, p plus q whole square is equals to p square plus q square plus 2pq. That is, here a is p and q is 1 by a. So a plus b whole square will be, means we have to superimpose this formula. We have to superimpose a plus b whole square on this formula, a plus b p plus q whole square. Means यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को इस सॉरी ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम ये जो p प्लस क्यू होल स्क्वायर है इसको अगर हम कंपेयर करेंगे a प्लस 1 बाय ए होल स्क्वायर से, तो p की वैल्यू a है और q की वैल्यू 1 बाय ए है. सो p प्लस क्यू के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जस्ट इसको एक्सपेंड करना है लाइक दिस. दैट इज सिंपल p स्क्वायर, दैट मीन्स p स्क्वायर इन प्लेस ऑफ p स्क्वायर पुट a स्क्वायर, q स्क्वायर q द वैल्यू ऑफ q इज 1 बाय a. सो q स्क्वायर इज 1 बाय a का होल स्क्वायर प्लस 2pq. 2pq p's वैल्यू इज a एंड q की वैल्यू है 1 बाय a. सो 2 इंटू 1 बाय a इंटू a. सो दिस इज हाउ वी हैव एक्सपैंड. कुछ नहीं करना है, बस पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq के प्लेस में जो क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिए हैं उनको पुट करना है. सो ए स्क्वायर जस्ट रिटर्न राइट एज इट इज, देन 1 बाय ए होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर इज 1 एंड ए स्क्वायर. देन now when it comes to here, so इसको हम ऐसे mention करेंगे 2 into 1 by a into a. so this a and this a we can cancel it out, इसको हम cancel कर सकते हैं. जैसे हम 2 by 2 को cancel करते हैं उस तरह से हम a by a को cancel कर सकते हैं. so we are remain with 2, सिर्फ 2 की वैल्यू बचेगी हमारे पास. ओके, सो वी हैव पुट 2 हियर. सो फाइनल इस एक्सप्रेशन को जो एक्सपेंशन होगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2. एंड इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट पी प्लस क्यू होल स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करना है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स अनदर क्वेश्चन. सॉल्व, this is a expression, this is given, find the value of this. Okay, इस particular question में we will use our identities, जो square identities हैं
उनके फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे. सो लेट्स सी हाउ. सी गिवन ये है, ये एक इक्वेशन गिवन है, एक दिस इज एन इक्वेशन 2a प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 11 और हमें इसकी वैल्यू लानी है. सो ये एक अजीब सा एक्सप्रेशन है जो अचानक से आ गया इस पूरे इक्वेशन के बाद. हम इस पर ना ध्यान देकर हम ऑलरेडी जो इक्वेशन गिवन है उस पर ध्यान देते हैं और उसके थ्रू हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो जस्ट राइट इट डाउन हियर. नाउ व्हाट विल हैपन, ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पर नोट डाउन करी है, ये जो कांस्टेंट है माइनस वन एंड इलेवन, इन दोनों कांस्टेंट को हम एक साइड ले आते हैं. मींस बिकॉज कांस्टेंट शुड कम टू वन साइड एंड जो वेरिएबल्स वाले टर्म है उनको, वेरिएबल वाले जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट वाले जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड रखते हैं. सो ये कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं, ये वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, ठीक है. सो कांस्टेंट वाले टर्म्स को यहाँ पुट करेंगे, 11 प्लस 1 इक्वल्स टू 12. सो वी आर लेफ्ट विथ 2a प्लस 3 बाय ए हियर, ठीक है. इसमें कुछ नहीं किया हमने, कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साइड ले आए हैं और वेरिएबल्स वाले टर्म को एक साइड रख दिया है, ठीक है. अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे. सी अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया था, a प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है. और इस एक्सप्रेशन को हम कैसे एक्सपेंड कर पाए थे, यूजिंग द फॉर्मूला जो हमारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का जो स्क्वायर फॉर्मूला है उससे हम एक्सपेंड कर पाए थे, ठीक है. वैसे ही अगर हम उसी फॉर्मूले को a प्लस 1 बाय ए होल स्क्वायर को, बिकॉज ये वाला जो एक्सप्रेशन है, मीन्स ये वाला a प्लस 1 बाय ए होल स्क्वायर, ये एक दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन. अगर इस एक्सप्रेशन को हम यहां यूज करेंगे, बिकॉज दिस ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक ये भी मोटिव था कि आपको ये वाले फॉर्मूले का यूज कैसे हो वो थोड़ा सा समझ में आए. सो पर्टिकुलरली हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है यहाँ, ठीक है. a प्लस 1 बाय ए होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया था. जनरली अगर हमें एक्सपेंड करना हो तो हम स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंड करेंगे, बट इफ वी प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स तो हमें ये फॉर्मूला याद हो जाएगा एंड हम अगेन इसको एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ पर. सो a प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab मीन्स 2 इंटू ए इंटू 1 बाय ए, तो जिसमें a और a कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 2. सो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा a स्क्वायर और 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है. अब इसी फॉर्मूले में वी हैव टू लाइक दिस, आई मीन ये जो एक्सपेंशन है इसी तरह का एक्सपेंशन हमें इसको करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को करना है, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को करना है, ठीक है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है. LHS को स्क्वायर करेंगे और RHS को स्क्वायर करेंगे. सो वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स हेयर लाइक दिस. सो ओके, सो 2a का होल स्क्वायर, आई मीन दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला. सो अवर एक्सपेंशन विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. और 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर होगा 12 इंटू 12 और 12 को 12 से इंटू करेंगे, सो 144 आएगा. ओके, 2 to the 4, 2 1 to 2, 144. ओके, सो इसको एक्सपेंड किया, 2a का होल स्क्वायर 3 बाय ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 2a इंटू 3 बाय ए. ये यहाँ पे p की वैल्यू है और ये यहाँ पे q की वैल्यू है, ठीक है. सो इसको फॉर्मूले में पुट किया है. नाउ वी विल सी. टू ए का स्क्वायर क्या होगा, 2a का स्क्वायर विल बी 2a इंटू 2a, 2a इंटू 2a इज 4, आई मीन 2 इंटू 2 इज 4, a इंटू a इज बेस सेम है एंड बेस अगर सेम है तो उसके पावर्स एड हो जाएंगे. a इंटू a क्या होगा, a स्क्वायर,
मीन्स इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4a1+1 कितना होगा, बिकॉज a और a सेम बेस हैं तो इसके जो पावर्स हैं ऐड हो जाएंगे. हमने एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. आई शुड यूज अनदर पेन. सो दिस इज a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. ओके सो 4a स्क्वायर. नाउ दिस बिकम्स 3/a इंटू 3/a. 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9. अगेन एक्सपोनेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर 1 है, तो दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर. फाइन, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा, a और कैंसिल हो जाएगा, देन वी आर लेफ्ट विद 2 × 4, 4 × 3 = 12. ओके, अब अगेन कांस्टेंट है तो इन कांस्टेंट को एक साथ ले आएंगे, इन दोनों कांस्टेंट को एक साथ ले आएंगे. सो 12 को यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, सो 144 − 12 = 132. सो फाइनली अगर हम देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन वॉज आस्किंग द वैल्यू ऑफ दिस. सो ये जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली हमें क्वेश्चन ये एक एक्सपेंशन इस फॉर्मूले को स्क्वायर कर और इसको एक्सपेंड कर ये वाला जो वैल्यू आया है वो हमारी वैल्यू आई है 132. दिस इज 132. सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 132. सो बॉटम लाइन कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या करना चाहिए इसमें, बट है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है. इसको जस्ट ये जो इक्वेशन है इसको नीचे लेकर जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. इसके कॉन्स्टेंट टर्म्स को अलग कर और वेरिएबल टर्म्स को अलग कर उसके बाद फिर स्क्वायर करना है, और स्क्वायर कर हमें फॉर्मूले स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट कर ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन में आ जाएगी, और इन दोनों टर्म्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी इक्वेशन को सॉल्व करते करते यहाँ मिल जाएगी. सो अवर रिक्वायर्ड वैल्यू इसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू दैट इज 132. ओके सो वी विल सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस मोर एज ऑफ नाउ, कि ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा फैमिलियरिटी आ जाए, इसकी वजह से एक एक क्वेश्चन ले लिया. इस टाइप के क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a प्लस बी, ए इसकी वैल्यू ये है, ये एक दूसरा इक्वेशन है, दो इक्वेशन ऑलरेडी दी हैं हमें, इसकी वैल्यू c प्लस 1/a की वैल्यू निकालना है. सो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं, देन वी विल टेक दिस इक्वेशन. सो a प्लस 1/b को लिया, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम जस्ट ये बिकॉज हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, a के डिनोमिनेटर पे हमें b, एक्सक्यूज मी, सो a का डिनोमिनेटर पे हमें b करना है. सो व्हाट वी विल डू, जस्ट b को a से इंटू करेंगे, सो a इंटू b प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, सो a b प्लस 1 इज इक्वल्स टू b. ओके सो आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, ये जो b और ये वाला जो टर्म है मींस जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उनको एक साइड ले आएंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे. तो दिस इज हाउ वी हैव डन, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड ले आए, b को यहां ट्रांसपोज कर दिया और 1 को यहां ट्रांसपोज कर दिया. सो 1 को जब दूसरी साइड ट्रांसपोज किया तो वो -1 हो गया, और बी को बिकॉज बी का साइड चेंज कर रहे हैं तो वो प्लस पॉजिटिव बी से माइनस नेगेटिव बी हो जाएगा. सो दैट हैज हैपेंड हियर. नाउ अभी हम इसको यहां तक ही सीखते हैं, इसका जो एक्सपेंशन है वो क्यों ऐसा किया है, क्यों हमने माइनस साइन को भी कॉमन लिया है, इसका रीजन हम बाद में सीखेंगे, बट अभी हम इसको यहां तक ही सीखते हैं. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, बी प्लस 1/c = 1. तो इसको भी हमें एक्सपेंड करना है, कैसे करेंगे, सी को बी यहाँ ये जो बी है इसके डिनोमीटर में हमें सी लाना पड़ेगा. सो कैसे लाएंगे, बी और सी को इंटू कर देंगे, सो बी इंटू सी अपॉन मीन्स जो एलसीएम है एलसीएम वाला फंडा, बी इंटू सी अपॉन 1 × c प्लस 1 c. सो आ जाएगा बी इंटू सी 1/c, तो सी को कॉमन लेंगे आएगा बी इंटू सी प्लस 1.
ठीक है, इसमें भी हम आफ्टर दैट ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको एक साइड ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड ले आएंगे और जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साथ ले आएंगे। मीन्स जो लाइक टर्म्स वाला फंडा है कि लाइक टर्म्स को एक साथ ले ग्रुप करना है, लाइक टर्म्स को ग्रुप करना है। सो लाइक दिस वी हैव डन। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और एक चीज और, बिकॉज इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो वन है वो नेगेटिव है, तो इस वन को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, इस नेगेटिव साइन को रिमूव करना है। तो इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए दोनों साइड हमें माइनस वन से इंटू करना पड़ेगा। मीन्स बी माइनस सी माइनस वन इंटू माइनस वन। सो माइनस वन से इंटू करेंगे अंदर तो आ जाएगा माइनस बी सी प्लस सी, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज वन। सो दिस विल बिकम सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब यहां पर भी सी प्रेजेंट है, यहां पर भी सी प्रेजेंट है, तो सी को कॉमन ले आएंगे वन माइनस। मीन्स यहां से हम सी को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर जब हमने यहां से सी को बाहर निकाला तो इस टर्म पे बचेगा वन, और इस टर्म से भी हमने सी को बाहर निकाला तो इस टर्म पे बचेगा बी, दैट इज वन। सो सी की वैल्यू क्या आई, वन अपॉन वन माइनस बी। ठीक है, सी की वैल्यू आई सी इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस बी। ओके, नाउ एज वी नो सी इज वन माइनस बी। अब हमने अभी यहां पर एक इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, ए बी माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन। ओके, अब आप इसमें देखो, इसमें भी इक्वेशन के बाद ये जो कांस्टेंट है इसके पास माइनस मीन्स माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को रिमूव करना है। इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, हमें माइनस वन से इंटू करना होगा। सो इस जगह भी हम माइनस वन से इंटू करेंगे और आई मीन इसके साथ माइनस वन से इंटू करेंगे। सो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल चेंज टू प्लस, और ये वाला माइनस साइन को अंदर नेविगेट कराएंगे, अंदर इसको इंटू करेंगे। सो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस में आ जाएगा और बी पॉजिटिव में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। सो इट विल बिकम बी माइनस ए बी इक्वल्स टू वन। बी कॉमन निकाल लेंगे, बी कॉमन निकालेंगे, बचेगा वन माइनस ए इक्वल्स टू वन। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन वन माइनस ए। जस्ट ट्रांसपोज कर देंगे, बिकॉज हमें बी की वैल्यू निकालनी है और ये इन टू में है, तो हम इसको दूसरी साइड ले आएंगे, तो वन माइनस ए जो है वो डिवाइड हो जाएगा, वन माइनस ए जो टर्म है वो डिवाइड हो जाएगा। सो अब ये जो बी की वैल्यू है, इस बी की वैल्यू को हम इस बी में रख सकते हैं, ये वाला जो बी की वैल्यू आया है हमारे पास उसको हम इस बी में रख सकते हैं, ये बिल्कुल रख सकते हैं। सो वी हैव पुट बीज वैल्यू हियर, बी की वैल्यू है वन अपॉन वन माइनस ए। इसको भी हम ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि बाहर जो है माइनस साइन है, माइनस साइन के को अंदर पूरा इंटू करना होगा, इसलिए हम अपनी ईज के लिए और कोई कंफ्यूजन ना हो इसको ब्रैकेट में रखना होगा, इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में रखना होगा जब तक कि माइनस साइन को इंटू ना कर दें इस पूरे टर्म से। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी, नाउ वी हैव सीन हियर कि ये तो है वन अपॉन वन माइनस ए, इसके पास जो डिनोमिनेटर है वन माइनस ए है, इस टर्म के पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इस टर्म पे अगर वन माइनस ए डिनोमिनेटर लाना है, मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा वन माइनस ए। ठीक है, एलसीएम इज वन माइनस ए। सो एलसीएम अगर वन माइनस ए है तो वन माइनस ए को यहां इंटू करेंगे, वन माइनस ए को यहां इंटू करेंगे, सो इट विल बी वन माइनस ए। मीन्स इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, वन इंटू वन माइनस ए ऑन वन इंटू वन माइनस ए माइनस वन, वन माइनस ए ऑलरेडी है, सो इट विल बी वन माइनस ए माइनस वन अपॉन वन माइनस ए। ऐसे कॉमन ले सकते हैं, अब डिनोमिनेटर को हमने कॉमन लिया। ठीक है, अब नाउ दिस इज पॉजिटिव वन एंड दिस इज नेगेटिव वन। सो ये पॉजिटिव वन
एंड नेगेटिव वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वन है और नेगेटिव वन है. सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, वी आर लेफ्ट विथ बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विथ वन अपॉन, वन के अपॉन में चल रहा है, वन के डिनोमिनेटर में चल रहा है ये पूरा जो कैलकुलेशन है, माइनस ए अपॉन वन माइनस ए. सो नाउ दिस इज वन अपॉन माइनस ए अपॉन वन माइनस ए. ठीक है, ये डिनोमिनेटर में चल रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी वन एक न्यूमरेटर है. ठीक है, अब इस वन माइनस ए को इस पूरे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स ये वाला जो टर्म है ये वन माइनस ए न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये वन माइनस ए न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो दिस हाउ इट विल बिकम वन माइनस ए अपॉन ए. मेरे ख्याल से आई एम डूइंग वन मिस्टेक, यहाँ पर ए के पास माइनस साइन है, तो ए के पास माइनस साइन यहाँ नेविगेट, हाँ दिस इज माइनस साइन. सो माइनस जो साइन है ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो माइनस साइन भी न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो इट विल बिकम माइनस वन माइनस ए. ठीक है, माइनस साइन भी जाएगा न्यूमरेटर में और ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये भी जाएगा न्यूमरेटर में. सो इट विल बिकम माइनस वन माइनस ए अपॉन ए. अब माइनस साइन को अंदर इंटू कर लेंगे, सो माइनस माइनस इन माइनस वन इंटू वन, ये वन है यहाँ पर, माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस ए इज ए. ओके, मीन्स ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ माइनस वन इंटू माइनस ए. सो माइनस वन इंटू वन हो जाएगा वन, और सॉरी माइनस वन इंटू वन हो जाएगा वन, माइनस वन इंटू वन हो जाएगा माइनस वन, सॉरी दिस इज माइनस वन, और माइनस वन इंटू माइनस ए हो जाएगा प्लस ए. ओके, सो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस वन अपॉन ए लिख सकते हैं. नाउ ये जो चल रही है ये सी की वैल्यू चल रही है, दिस होल वैल्यू इज सी, कि ये सी की वैल्यू चल रही है. ओके, सो अभी क्वेश्चन में जो हमें पूछी थी, जो क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछी है, वो क्वेश्चन में क्या वैल्यू, सी प्लस वन बाय ए की वैल्यू है. तो हमें ऑलरेडी सी की वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें सी की वैल्यू पता है. सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू आई है वन माइनस ए अपॉन ए, यही वैल्यू आई है सी की. एक्सक्यूज मी, सो सॉरी, ये ए माइनस वन है, ए माइनस वन, ये सी की वैल्यू आई.